गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। शिक्षक दिवस की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप और हम साथ साथ नहीं रह पाए इस कोरोना वायरस के कारण, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी अध्यापकों की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से। और हम हमारे पॉइंट 1.3 पर चल रहे थे और 1.3 के हम 5 सवाल आपको बता चुके थे और क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है हमसे कि पी बटा क्यू, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हों और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जिनका शांत दशमलव प्रसार हो। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य ही संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए हम उदाहरण ले रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण हमने लिया 2/5, दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं 13/25, तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं 17/40। देखिए विद्यार्थियों, हमने यहाँ कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखे हैं और इसमें पहला उदाहरण हमने लिखा है भाई 2/5, दूसरा उदाहरण लिखा है 13/25 और तीसरा उदाहरण लिखा है 17/40। अब मैं इनके गुणनखंडों की बात करूँ तो इसके गुणनखंड को 1/2, इसका गुणनखंड 1/5, इसका गुणनखंड 1/13 और इसका गुणनखंड 1×5×5 और इसका गुणनखंड 1/17 और बटे में 2 × 2 × 2 × 2 × 5। और ये को अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 1/13 और बटा में 1×5 की घात 2 और ये 1×17 और बटे में 1×2 की घात 3×5, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमारा जो प्रश्न ये कह रहा है कि भाई आपने जो उदाहरण लिए हैं उन संख्याओं में एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड मिलना नहीं चाहिए, तो हमारी इन संख्याओं में जो गुणनखंड है वो एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो ये हो गए ऐसे परिमेय संख्याओं के उदाहरण जिनका सर्वनिष्ठ गुणनखंड जो है वो केवल एक है। अब इसने हमसे ये पूछा है कि इनके दशमलव प्रसार शांत हो, तो इसका दशमलव प्रसार हम देखें तो 2/5, 2/5 का बात देंगे तो 0 है और 2/5 का बात देंगे तो 0.0524, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.4 और बाकी के लिए रुक गई तो ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब हम दूसरे की बात करें इसकी 13/25, तो 13/25 का बात देंगे 0.025 × 125, 5/25 × 50, तो इसका दशमलव प्रसार आ गया बराबर में 0.52 और ये भी शांत आ गया। तीसरी संख्या ले हम 17/40, तो 17/40 के लिए देखो 0.0404, 40 × 80 × 2 गया तो ये आ गया इसका दशमलव प्रसार 0.425 और ये भी शांत हो गया। तो ये तो हमने आपको जो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार समझाए थे वो समझाए थे कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग देने पर यदि भागी क्रिया पूरी बार चली जाए, भाग रुक जाए, तो उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। अब देखेंगे ये हमसे कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा गुण है कि हम बिना भाग दिए ही उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में ज्ञात कर सकें कि उनका दशमलव प्रसार शांत है अथवा ऐसा। तो इसके लिए एक नियम है और वो नियम आपको याद रखना है, जिन परिमेय संख्याओं के अर्के अभाज्य गुणनखंड
जिन परिमित संख्याओं के अंत अवाच्य गुणनखंड दो की घात n कॉमा पाँच की घात n या दो की घात n इंटू पाँच की घात n के रूप में हो तो उनका दशमलवानुसार उनका दशमलवानुसार शांत होता है। एक नियम दिया गया है कि जिन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड दो की घात एम कॉमा पाँच की घात एन या दो की घात एम इंटू पाँच की घात एन के रूप में हो तो उनका दशमलवानुसार शांत होता है। अब हम देखें पहली संख्या के, तो पहली संख्या के जो हर के अभाज्य गुणनखंड है इसमें पाँच का गुणनखंड आया है और दो की घात एन का मतलब है कि एन का जो मान है वो एक से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो घात एक आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पाँच का गुणनखंड आया है इसलिए दशमलव के साथ शांत, यहाँ भी पाँच ही पाँच के गुणनखंड आए तो भी दशमलव के साथ शांत हुआ, और यहाँ देखेंगे दो के और पाँच के गुणनखंड और इसके ऊपर कोई घात नहीं है, एक घात नहीं होती इस पे, तो दो की घात एन गुणा पाँच की घात एन के रूप में आ गए। मैंने आपको बता दिया कि एन का मान और एन का मान एक से लेके अनंत तक में से कोई भी संख्या हो सकती है, तो ये नियम हमें ध्यान रखना होगा और इस नियम के अकॉर्डिंग ही हम बिना भाग दिए किसी भी परिमेय संख्या का दशमलवानुसार शांत है अथवा ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ संख्या दे रहा हूँ उनके आपको दशमलवानुसार इस नियम की सहायता से देखने हैं कि वो दशमलवानुसार शांत होंगे या अशांत होंगे। पहली संख्या में तीन बटे छः दे रहा हूँ, दूसरी संख्या सत्रह बटे में आठ, तीसरी संख्या है पंद्रह बटे में सोलह। आज आपको इन संख्याओं के हर के आवाज गुणनखंड करके यह देखना है कि इन परिमेय संख्याओं के दशमलव के साथ शांत है या अशांत। भाग देकर के नहीं देखना है, आपको आवाज गुणनखंड देख करके कि आपके आवाज गुणनखंडों में यदि दो ही दो के गुणनखंड आए अर्थात दो के घातांक के रूप में आए तो शांत, पाँच के घातांक के रूप में आए तो शांत, इस तरीके से आपको इनको देखना है और इनके दशमलव के साथ आपको उपयोग करके देखना है कि शांत होंगे कि अशांत होंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर सात, और इसमें है अनावृत्ति अनावसानी संख्या है या दशमलव के साथ भी कह सकते हैं, अनावर्ती अनावसानी दशमलव विसार। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विसार अनावर्ती अनावसानी होता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं का जब आप दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो उन प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अनावर्ती अनावसानी होता है। जैसे आपको मैंने अपरिमेय संख्या के उदाहरण बताए थे, अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट पाँच, अंडर रूट पाई, इस प्रकार से यदि हम इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करें तो ये हमें अनंत तक प्राप्त होंगे। और यदि हमें इनकी बात करें तो देखिए अंडर रूट दो बराबर, जैसे अंडर रूट दो का मान होता है अंडर रूट दो बराबर एक पॉइंट चार एक चार दो एक तीन पाँच छः दो तीन, इसी क्रम में आगे तक चलता रहता है तो अनंत तक जाते हैं दशमलव के साथ। तो यहाँ देखो एक पॉइंट चार एक चार फिर यानी कोई भी अंत, अनावृत्ति का मतलब होता है कि किसी भी अंक की वापस पुनरावृत्ति लगातार नहीं होती, और अनावसानी का मतलब होता है जो अनंत तक जाता है। तो इस दशमलव संख्या को हम देखें तो ये अनावृत्ति अना
अनुसंधि है और ये अंदर में दो परमाण है और ये अनुवाती अनुसंधि है तो इसका उदाहरण दे सकते हैं। इसी प्रकार से पाई का मान भी हम दे सकते हैं। पाई बराबर में जो मान होता है वो है 3.14159265389 7 तो ये भी अनावृत्ति अनुसारी प्रसार हो गए। अब हमसे प्रश्न नंबर 7 में भाई इसने ये पूछा है कि तीन परिमेय संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो प्रश्न नंबर 7 का जो हल है उसके लिए हम अनावर्ती अनावसानी संख्याएं अनावर्ती अनावसानी संख्याएं कैसे इनके उदाहरण ले सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, इनको भी आप ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं वो देखो, आपको अनावर्ती अनुसार संख्या कैसे बनाई जाती है वो सीख ले। कि आप जीरो लगा के पॉइंट लगाएं, अब यहाँ एक अंक की संख्या भी ले सकते हैं आप, दो अंकों की संख्या ले सकते हैं, शुरू में तीन अंकों की भी ले सकते हैं। अब जैसे मैंने जीरो पॉइंट के बाद पाँच ले लिया, अब पाँच के बाद में आपको कोई भी संख्या लेनी है और ये जो संख्या हम लेंगे इस संख्या की ही आवृत्ति बढ़ेगी। तो 0.50 ले लिया, फिर आपको 5 लिखना है। अब जो 0 लिया हमने उसकी संख्या बढ़ाते चलना है, फिर 5 लेंगे, फिर 3 0 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 4 0 लेंगे और फिर 5 और ये क्रम इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो अनावृत्ति अनावसानी होगी। एक तो वो अनंत तक जा रही हो और किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो। देखो यार, शुरू वाला अंक जो है ना वही, अब 0.50 फिर 500 हो गया, फिर 5000 हो गया, फिर 50000 हो गया, इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। तो कोई अंक बार बार नहीं आएगा इसमें। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, 0.75 ले लिया, जैसे 0.7 ले लिया, फिर 0.7, फिर 0.00, फिर 7, फिर 3.7, फिर 7, फिर 4.7, फिर 7, इस तरह में चलती रहेगी। तीसरी संख्या का उदाहरण हमने ले लिया ऐसे 0.8, फिर 0, फिर 8, 00, फिर 8, फिर 3.0, फिर 8, फिर 4.0, फिर 8, ये क्रम चलता रहेगा। इस तरीके से ये तीन अनावर्ती अनावसानी संख्याओं के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसके जैसे अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। आपको बस शब्द यह है कि इसमें संख्या चेंज करनी होगी, या तो 0 से बना सकते हैं या 1 लेते मान लीजिए, तो 1, फिर 1, फिर 1, फिर 4, इसी प्रकार से 2 लेते मान लो तो 7 के बाद 2, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 3 लेते तो 3, फिर 3, फिर 3, फिर 4, कोई भी संख्या लेकर के आप अनावसानी संख्या बना सकते हैं। आप देखेंगे यार, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, ये हमसे कह रहा है 5/7 और 9/11 इनके बीच की तीन अलग अलग परिमेय संख्याएं याद करनी है। तो कैसे याद करेंगे हमने देखो, सबसे पहले तो 5 में 7 का भाग देके दशमलव बिंदु बनाएंगे, तो 0.50 हो गए, 50 में 7 का भाग देंगे, 7 × 7 = 49, 1 बच गया, फिर 1 आगे इसी क्रम में ये चलती रहेगी। 2 अंकों तक निकाल लें आप, आगे भी जाएगा अनंत तक जाएगा, तो आपको तो केवल दशमलव के 2 स्थान तक भाग दे दीजिए इसमें। फिर 9 में 11 का भाग देंगे तो 0.11 बचे और 11 × 11 और आगे तक जाएगा, तो आपको तो केवल इनमें भाग देकर के दशमलव के 2 स्थान तक की ही संख्या आपको प्राप्त करनी है। अब आपको इनके बीच की संख्या लिखनी है, तो यहाँ लिखेंगे इनके मध्य की 3, इनके मध्य की 3 है परिमेय संख्या है, इस प्रकार है। अब देखो, पहली संख्या ले रहे हो 0.71 से आगे की लेनी है, 0.81 से पहले की लेनी है, तो 0.71 से आगे की चले तो हमने 72 ले ली। अब आपको इसके बाद वो
कोई संख्या बनानी है आसानी तो आप कोई भी अंक ले सकते हैं, और जीरो से बनाएंगे तो जीरो पॉइंट बहत्तर, फिर जीरो, फिर बहत्तर, फिर डबल जीरो, फिर बहत्तर, फिर तीन बन जीरो, फिर बहत्तर, और ये क्रम चलता रहेगा। दूसरी संख्या लें इससे आगे की, पिचहत्तर ले ली हमने, जैसे जीरो पॉइंट पिचहत्तर, फिर जीरो, फिर पिचहत्तर, फिर डबल जीरो, फिर पिचहत्तर, फिर तीन पर जीरो, फिर पिचहत्तर, और ये चलती रहेगी। और तीसरी संख्या यदि हम ले हैं तो जीरो पॉइंट इक्यासी से पहले की ले लें, उन्यासी ले लेते हैं, सात नौ, फिर जीरो, फिर सात नौ, फिर डबल जीरो, फिर सात नौ, फिर तीन पर जीरो, फिर सात नौ, ये क्रम चलता रहेगा। इस तरीके से पाँच बटे सात और नौ बटे ग्यारह के बीच की ये तीन अपरिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने जैसे छोड़ दी संख्याएं, जैसे हमने इकहत्तर के बाद बहत्तर तो ले लिया, आप तिहत्तर भी ले सकते हैं, चौहत्तर भी ले सकते हैं, छिहत्तर भी ले सकते हैं, सतहत्तर भी ले सकते हैं, फिर उनके आगे आपको वही कोई अंक ले करके और उनकी संख्या बढ़ाते हुए इनको अपरिमेय संख्याएं बनानी है। इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। अब हम देखेंगे नवा ऑप्शन इसका, प्रश्न नंबर नौ में देखो विद्यार्थियों, ये हमसे कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो नवे के पहले में इसने हमसे संख्या दी है, इसने अंडर रूट में 23, और अंडर रूट 23 जो संख्या है इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये किसी की वर्ग संख्या नहीं है, अतः ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि प्रत्येक अंतर रूट में लिखी जाने वाली संख्या जिसका वर्गमूल संभव नहीं हो, सीधे ही हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी संख्या है अंतर रूट 225, और ये एक वर्ग संख्या है 15 की, ये 15/1 15 के बराबर में 15/1 लिखेंगे तो पी बटा टू की उनकी संख्या है, तो ये परिमेय हो गई। तीसरी संख्या देखेंगे 0.3796, और इस संख्या को हम दशमलव हटा करके ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव चार अंक बाद में लगा है और पी बटा टू के रूप में आ गई ये संख्या, तो ये परिमेय हो गई संख्या। चौथा उदाहरण इसमें दिया है, इसमें 7.478478 ये दी है। अब इस संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4, 7, 8 के ऊपर आवृत्ति लगी हुई है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो आवृत्ति दशमलव प्रसार है, यानी इन्हीं अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और ऐसी संख्याओं को हमने पी बटे क्यू के रूप में लिखना प्रश्न नंबर तीन में बताया था, ऐसी संख्या को आप पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः यह संख्या भी परिमेय हो गई। आप कर सकते हैं इसका पी बटे क्यू रूप। अब हमें तो यह देखना ही है कि परिमेय है या अपरिमेय, लिखना नहीं है इसमें। और पांचवा इसमें दिया है भाई 8.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 1000, और ये भी है, और ये अनवसानी प्रसार है इसका, और अनवसानी है तो अनवसानी दशमलव प्रसार जो होता है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। इस तरीके से ये संख्या जो है हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से हमारा अभ्यास 1.3 पूर्ण होता है। शेष चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी।